की शुरुआत में टीनेजर लियो और सारा को दिखाया जाता है जो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की ओर देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ ही ये शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स हैं। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें कहा जाता है जो धरती के बाहर होने वाली गतिविधियों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तभी इन्हें तारों के बीच में एक चमकता हुआ अलग सा तारा दिखता है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। शुरू में इन्हें लगता है कि ये सैटेलाइट है, पर यहाँ पर जो इनके सर होते हैं वो कहते हैं कि इसकी फोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। डॉक्टर मार्कस को अगले दिन ये फोटोज मिलती है और इन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉमेट होता है जो बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा होता है, पर अभी भी वो धरती से लाखों किलोमीटर की दूरी पर होता है, इसीलिए धरती तक पहुंचने में उसे कई महीने लगेंगे। डॉक्टर मार्कस वॉल्फ इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव करते हैं और उसके बाहर अपना सरनेम वॉल्फ और साथ ही साथ लियो का सरनेम पीटरमैन लिख देते हैं, क्योंकि लियो ने उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। वो इसे अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर इससे पहले वो अथॉरिटी तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक साल हो जाता है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जिनका नाम एलन है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह ये बताई जाती है कि उनकी पत्नी एली की तबीयत खराब है। और एक रिपोर्टर जिसका नाम जेनी है उसे शक होता है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है। वो एलन से मिलने जाती है, वो उनके घर के बाहर देखती है जहाँ पर खाने पीने और सर्वाइवल के बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा लगता है कि एलन कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जेनी एलन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइन्स हैं जिनसे तुम डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो अपना इस्तीफा देने का कारण बताया है वो पूरा का पूरा झूठ है। एलन कहता है तो तुम इसे एक पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है, पर इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी उसके चारों तरफ कई सारी गाड़ियां आती हैं। ये एफबीआई के एजेंट्स होते हैं जो जेनी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। उसके पास प्रेसिडेंट आते हैं और प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि जो भी तुम्हें पता है उस न्यूज को तुम फ्लैश मत करना, बदले में दो दिन बाद जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर तुम्हें सेकंड रो में सीट दी जाएगी, जो किसी भी रिपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जेनी बात मान जाती है, पर घर आकर वो एली की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एलन ने इस्तीफे के दौरान जो अपनी पत्नी का नाम बताया था एली, दरअसल वो ELLIE नहीं बल्कि ELE है जिसका नाम है एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट था जिससे धरती पर पूरी तरह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे और अब शायद एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। दो दिन बाद जेनी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहां पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी धरती पर अक्सर मीटियोर और रॉक्स गिरते रहते हैं जिनका साइज एक कार के बराबर या फिर हमारे हाथ के बराबर होता है, पर जो कॉमेट अब धरती की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसका वजन है 500 मिलियन टन और अगर ये धरती से टकरा गया तो धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पिछले 8 महीनों से रशिया और अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहा है जो कि अंतरिक्ष में बन रहा है। 2 महीने बाद धरती से उस स्पेस स्टेशन पर एक टीम जाएगी जो उस कॉमेट को धरती पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस वॉल्फ और साथ ही साथ लियो पीटरमैन का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने इस कॉमेट को देखा था, पर एक कार एक्सीडेंट में इन दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि लियो पीटरमैन अभी भी जिंदा होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी उसके ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लियो पीटरमैन है, पर गवर्नमेंट को डिस्क मिल गई थी जिसके जरिए उन्हें पता चल सका कि एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है। पर वो इतनी जल्दी धरती से नहीं टकराएगा क्योंकि वो पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काट रहा है, पर बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा जब वो उस एंगल पर आ जाएगा जिस एंगल पर पृथ्वी है और तब वो पृथ्वी से टकरा जाएगा जिससे पूरी मानव जाति का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। लियो पीटरमैन को नहीं पता होता कि ये वही कॉमेट है जिसे उसने आज से एक साल पहले देखा था, पर अब वो जान चुका है। उसके घर के बाहर उसके पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो पीटरमैन अब फेमस हो चुका है, पर वो इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है कि मैंने इसे सबसे पहले देखा जरूर था, पर इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने की थी
वहीं अब ये दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम कॉमेट के सरफेस पर पहुंच जाती है। वहां पर वो ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि 100 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना चाहते हैं, ताकि ब्लास्ट करके इस कॉमेट की दिशा को बदला जा सके और ये पृथ्वी से ना टकराए। अब जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते तो इनकी ड्रिल मशीन फंस जाती है और इन्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, क्योंकि जिस तरह से धरती पर दिन और रात होता है उसी तरह से एक हिस्सा कॉमेट का सूरज की तरफ और दूसरा उसके विपरीत होता है। पर जब वो हिस्सा जिस हिस्से में सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं सूरज की तरफ आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा और कॉमेट की सतह पर जो गैसों के भंडार हैं वो अपने आप ही फटना शुरू हो जाएंगे और इन सब की मृत्यु हो जाएगी। ये किसी तरह से वहां पर बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं, पर अब कॉमेट सूरज की दिशा में आ चुका है जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और गैसों के भंडार फटना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है। अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे एक माइन फट जाती है जिससे वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। उसे लेने नहीं जाया जा सकता क्योंकि इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इतना ज्यादा फ्यूल नहीं है कि ये कहीं भी जा सके। अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और जब कॉमेट से बहुत दूर चले जाते हैं तो ये एक ब्लास्ट करते हैं जिससे इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हिल जाता है, थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है, पर इनका ये पूरा मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कॉमेट अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है और ये दोनों हिस्से अब पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा उससे छोटा। अमेरिका के राष्ट्रपति को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो मीडिया के सामने सबको संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों टुकड़े अब अर्थ की तरफ आ रहे हैं, छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समंदर में जो लहरें पैदा होंगी वो बहुत ऊंची ऊंची होंगी, ये एक सुनामी होगी। पानी की स्पीड इतनी होगी कि एक घंटे में वो 1100 मील दूर तक पहुंच जाएंगी, पर इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से कॉमेट डिस्कवर हुआ है तब से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने मिसौरी की सॉफ्ट लाइमस्टोन में बहुत गहरी गहरी सुरंगें बनाई हैं, जिसके अंदर 2 साल की सप्लाई है, यानी कि 2 साल का राशन है। 2 लाख लोगों को हम पहले चुन चुके हैं जिसमें डॉक्टर्स, आर्मी वाले, आर्टिस्ट, ये सब लोग होंगे, और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी नहीं होगा, यानी कि 50 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र है उसे यही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ मार्शल लॉ भी लगा दिया जाता है, यानी कि पूरे देश में पूरी तरह से कर्फ्यू होगा, कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा ताकि किसी भी तरह की भगदड़ ना मच सके। यहाँ पर लियो की फैमिली को कॉल आता है, उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले चुन लिया गया था क्योंकि लियो वो था जिसने सबसे पहले इस कॉमेट को देखा था। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सैरा की फैमिली भी होती है जिन्हें नहीं चुना जाता, इसीलिए सैरा के पास जाता है, उसे 2 रिंग्स दिखाता है। वो कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं तब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जा पाओगी, मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है। पर सैरा अपनी फैमिली के बिना नहीं जाना चाहती। लियो कहता है कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की बस आती है जो उन लोगों को जिन लोगों को चुना गया है उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। उसमें सैरा का नाम तो होता है पर उसके पेरेंट्स का नहीं होता। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी, उसे बताया गया था कि सैरा के पेरेंट्स का लिस्ट में नाम होगा, पर यहाँ लिस्ट में नाम नहीं होता इसीलिए उसके पेरेंट्स नहीं जा सकते। सैरा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहती, हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है पर वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रुक जाती है। लियो को ना चाहकर भी यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दुनिया खत्म होने की खबर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी लूटपाट का माहौल है। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है पर अब कोई किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि सब इस सच्चाई को मान चुके हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उन्हें अगले 2 साल तक रहना पड़ेगा, पर लियो अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सैरा को लेने जा रहा हूं और जल्दी वापस लौटूंगा, ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब केवल 12 घंटे बचे हैं जब पहला कॉमेट यानी कि छोटा वाला कॉमेट धरती से टकराएगा। वो बताते हैं कि इससे इतनी ऊंची ऊंची लहरें
पैदा होंगी जो धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से जलाशय कर देंगी। इसके ठीक 3 घंटे बाद बड़ा वाला कॉमेट कनाडा में कहीं टकराएगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी धरती धूल से भर जाएगी। 2 सालों तक ये पूरा वातावरण ऐसी रहेगा, तब तक इस धरती पर रहने वाली हर एक चीज पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो केव्स के अंदर होंगे, पर उन्हें वहाँ पर 2 सालों तक रहना पड़ेगा। वही अंतरिक्ष में स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कॉमेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके वापस आ रहा होता है, जिनकी वजह से कॉमेट के 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि वो अर्थ पर वापस ना जाकर उस तरफ जाएंगे जहाँ पर कॉमेट का बड़ा टुकड़ा है, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 बड़ी-बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये 4 ब्लास्ट वहाँ पर करते हैं तो उस बहुत बड़े कॉमेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो ये कभी वापस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि इनका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर ये अपनी जान देने के लिए तैयार है, इसीलिए अपना स्पेसशिप लेकर बड़े वाले कॉमेट की तरफ निकल पड़ते हैं। वही धरती पर ही दिखाया जाता है कि लियो घर पहुंच चुका है, पर वहां पर सैरा नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ जा चुकी है। वो अपनी बाइक से सैरा को ढूंढना शुरू कर देता है। सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक होता है, लोग अपने घरों से जा रहे हैं, पर किसी को नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में जगह अब सुरक्षित नहीं बची। लियो सैरा को ढूंढ लेता है और इस बार सैरा के पेरेंट्स उसे लियो के साथ भेजने के लिए मना लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को भी ले जाओ। सैरा लियो को अपने भाई के साथ लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं न्यूज रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है जिसके लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है, क्योंकि उसका नाम भी उस लिस्ट में होता है। पर वो अपनी जगह अपनी दोस्त और उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और खुद अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे वो कई सालों से नाराज थी। पर अब उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने पिता से सारे गिले शिकवे मिटा लिए। वो अपने पिता के गले से लग जाती है और तभी आसमान में दिखाया जाता है कि छोटा कॉमेट धरती तक पहुंच चुका है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की ओर बढ़ रहा होता है और जब वो समंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती है। जेनी जो समंदर के किनारे अपने पिता के साथ खड़ी होती है, वो उन लहरों में हमेशा के लिए समा जाती है। यहाँ पर शहर के शहर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। लियो सैरा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। वही अंतरिक्ष में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट की टीम उस तरफ जा रही है जहाँ पर वो बड़ा कॉमेट है। यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं सबके सब अपने परिवार से बात करते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल पल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद कभी वो अपने परिवार की आवाज नहीं सुन पाएंगे। कुछ ही सेकंड्स के बाद उनका स्पेसशिप, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, उस बड़े कॉमेट से टकराता है और इस टकराव से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस विशाल कॉमेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो धरती की कक्षा में आने के बाद जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनसे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं लियो, सारा और बहुत सारे और लोगों को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके हैं, यानी कि पानी इतना ऊपर नहीं आ सकता, और यहाँ से वो आसमान में होती हुई इस आतिशबाजी को देखते हैं। अगर ये बड़ा कॉमेट धरती पर गिर जाता तो धरती पर हर तरह का जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब पूरी तरह से खत्म हो जाते। जिस तरह से आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे, धरती पर सिर्फ वही लोग बसते जो धरती के नीचे सुरंगों में चले गए हैं, और वो भी 2 साल बाद ही वापस आ पाते, क्योंकि 2 साल के बाद ही यहाँ का वातावरण साफ हो पाता। पर अब इन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से धरती पर इंसानियत पूरी तरह से बच गई है। हालांकि लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए, पूरा शहर अब जलाशय हो चुका है, यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आती, पर बहुत जल्द यहाँ से पानी वापस चला जाता है। और प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि हम अपने हीरोज को कभी नहीं भूल पाएंगे जिनकी वजह से धरती पर इतनी बड़ी संख्या में लोग बच गए। हर मौके पर हम उन लोगों को याद करेंगे। हमारे शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, पर हम उन्हें दोबारा बसा लेंगे और अपने बच्चों को अपने हीरोज की, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी गाथाएं सुनाएंगे, और इस तरह से धरती का अंत होने से बच जाता है। तो ये थी पूरी कहानी डीप इंपैक्ट की। ये साइंस फिक्शन मूवी ईयर 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस मूवी का बजट था $80 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $349.5 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।